दोस्तों मेरा बताया हो ये पैक लगा लीजिए, आपके अनवांटेड हेयर्स हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, चाहे आपके होठों के ऊपर के बाल हों या आपके फेशियल हेयर्स हों। आप इस पैक को कहीं भी लगा सकते हैं और अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने फेशियल हेयर को हटाने के लिए या अपर लिप्स के हेयर्स को हटाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, हम लोग बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट देखकर वैक्सिंग स्ट्रिप्स तक ले आते हैं और उसको बिना सोचे समझे अपने फेस पर लगा देते हैं, ये बिना जाने कि अगर हमने उसको लगाया तो उसका साइड इफेक्ट ये भी आ सकता है कि आपकी त्वचा अगर सेंसिटिव है तो उस पे दाने हो सकते हैं और वो दाने पहले रेड रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपकी स्किन पे परमानेंटली पैच बन सकता है और आपकी स्किन छिल भी सकती है। तो ऐसी चीजों को अपनाने की जगह देखने में तो हर चीज ठीक लगती है, लेकिन कभी भी अपने फेस के ऊपर इतना बड़ा रिस्क ना लें। एटलीस्ट बॉडी के ऊपर तो फिर भी चलता है, लेकिन फेस आपकी प्रॉपर एक पूरी दुनिया है, मेन चीज है। आप इसके लिए फेस रेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने बहुत तरह की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं पर्सनली अगर आपसे कहूं तो फेस रेजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेजर तो रेजर ही होता है। जब आप रेजर को यूज करते हैं तो उसके बाद आपने देखा है उसकी ग्रोथ कितनी हार्ड आती है और कितनी अजीब सी आपके फेस पे लगता है दाढ़ी उगाई है। जो आपके बेबी सॉफ्ट हेयर्स हैं वो भी इतने अजीब से लगने लगते हैं, बिल्कुल आदमियों के जैसे। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि फेस रेजर को भी कभी आजमाइएगा मत, वो बहुत ही खराब ग्रोथ देगा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब बात आ जाती है तीसरी चीज की, यानी उपटन की। हमारी मम्मी दादी नानी हमें बचपन में जब हमारे फेस पे, जो हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो वो इसी तरीके का उपटन बनाती थी जिससे कि हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो जाए। आज भी इसी ट्रिक को आजमाना है जिसमें पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी रहेगी। आपके होठों के पास का जो कालापन है ना, वो भी इससे दूर हो जाएगा। जो आप लोग कहते हैं ना आपका माउथ एरिया अलग से डार्क है, टैन है, पैचेस बने हुए हैं, अनइवन स्किन है, वो भी इससे दूर हो जाएगी। और अगर आप फेशियल हेयर्स पे लगाएंगे तो उससे आपके फेशियल हेयर्स तो धीरे धीरे खत्म होंगे और साथ में आपकी स्किन का कलर भी इनहांस होता जाएगा। अगर आपके वहाँ पे झाइयां हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो वो भी इससे दूर हो जाएंगे। तो ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखिए। अगर आपके फेस पे या आपके जो अपर लिप्स पे बाल हैं वो थोड़े हार्ड हैं, ज्यादा हैं वहाँ के, तो आपको कम से कम इसको हफ्ते में दो बार लगाना है और आपको 2 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके बहुत छोटे हेयर्स हैं, ग्रोथ बहुत कम है, तो आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा एक बार में ही। तो चलिए जानते हैं इसको बनाने का सही तरीका। आपको इसके लिए एक बाउल लेना है, उसमें डालना है 1 चम्मच आटा, जो हम रोटी बनाने वाला गेहूं का आटा लेते हैं वो आटा। उसके बाद इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी, 2 चम्मच कच्चा दूध और साथ में हमें डालना है 1 चम्मच बादाम का तेल। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, अपने अपर लिप्स पे अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद इसको सूखने में कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है। तो आप इसको नेचुरल सुखाइए, ज्यादा एसी की ठंडक में या कूलर की ठंडक में मत सुखाइए, आप इसको नेचुरली पंखे में सूखने दीजिए। जैसे ही आधे घंटे बाद ये सूख जाएगा तो बहुत ना हार्ड हो जाएगा और हमें यही हार्डनेस चाहिए। उसके बाद अपनी फिंगर टिप से, अपनी उंगली की सहायता से इसको आप रब करना स्टार्ट करिए अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे आपके बाल अगर नीचे की तरफ हैं तो ऊपर की तरफ आप इसको रब करना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे तो वैसे वैसे जो आपके बेबी हेयर्स हैं वो निकलते जाएंगे और जो थोड़े ज्यादा हार्ड हैं वो एक दो बार के इस्तेमाल से बिल्कुल निकल जाएंगे। अगर आप इस उपटन का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो बहुत स्लो डाउन हो गई है और आपका फेस पहले से कहीं ज्यादा ग्लोइंग और अच्छा दिखेगा। तो ट्रस्ट मी, इसको जरूर ट्राई करें और कमेंट करें कि आपके ऊपर इसका रिजल्ट कैसा रहा। ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर लाती रहूंगी। ये वीडियो कर दीजिएगा जमकर शेयर, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी गर्ल्स की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।